मैं हूं अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। आईपीएल 2024 से पहले भाई साहब हार्दिक पांड्या को करोड़ों का नुकसान हो गया है। हार्दिक पांड्या का जो एक दोस्त था उसने हार्दिक पांड्या को धोखा दे दिया है। जिस खिलाड़ी पर आंख बंद करके भरोसा हार्दिक कर रहे थे उस खिलाड़ी ने आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पांड्या के लिए टेंशन खड़ी कर दी है, हार्दिक पांड्या को परेशानी दे दी है। मुंबई इंडियंस में खलबली मच गई है आईपीएल 2024 से पहले और यह कहा जा रहा है कि इस खिलाड़ी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस खिलाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन आईपीएल 2024 के बाद लिया जा सकता है क्योंकि इस खिलाड़ी को लेकर लगातार बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। बीसीसीआई एक्शन लेने वाली है और खबर यह है कि अब मुंबई इंडियंस भी इस खिलाड़ी पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जी हां, इस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। अब पूरी खबर को समझ लीजिए। दरअसल खबर यह है, आपको पता है कि बीसीसीआई और ईशान किशन की तनातनी चल रही है। बीसीसीआई की बात ईशान किशन मान नहीं रहे हैं, यह बात आप लोगों को पता है। ईशान किशन बीसीसीआई को नजरअंदाज कर हार्दिक पांड्या के पास जाकर प्रैक्टिस करने लगे थे, यह भी बात आपको पता है। इस बात को लेकर लगातार बीसीसीआई नाराज चल रही थी पिछले कुछ वक्त से। अब खबर जो है वो दो है। सबसे पहली खबर तो यह है कि बीसीसीआई हार्दिक का चेला, क्योंकि ईशान किशन को हार्दिक का चेला माना जा रहा है इस वक्त, बीसीसीआई ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने की तैयारी कर रही है। सबसे पहली खबर तो यह है और जाहिर तौर पर ईशान किशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे तो उनकी रकम में जो है वो मतलब गिरावट आएगी, आईपीएल की रकम में गिरावट आएगी। अगर कोई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाता है तो जाहिर तौर पर उसकी वो ब्रांड वैल्यू नहीं रहती जो उसकी टीम के साथ जुड़ने से होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए खबर है कि आईपीएल 2024 के बाद मुंबई इंडियंस ईशान किशन को निकाल सकती है अगर बीसीसीआई ने उनकी उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया तो। यह बहुत बड़ी अपडेट है कि मुंबई इंडियंस ईशान किशन को 2024 के बाद निकाल सकती है क्योंकि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस बहुत बड़ी रकम देती है, बहुत बड़ी रकम देती है और इतनी मोटी रकम ईशान किशन को फिर मुंबई इंडियंस नहीं देगी। उनको निकालकर किसी दूसरे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर मुंबई इंडियंस जा सकती है या फिर ईशान किशन को निकालकर कम रकम में ईशान किशन को खरीद सकती है। यह बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब टेंशन हार्दिक पांड्या को यह है कि आईपीएल से पहले ईशान किशन जब मैदान पर उतरे तो भाई साहब बेकार हो गए, फेल हो गए, बल्ले से रन नहीं बना पाए। तो जाहिर तौर पर यह दो खबरें बहुत बड़ी है ईशान किशन को लेकर। और ईशान किशन को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि आईपीएल 2024 के बाद मुंबई इंडियंस ईशान किशन को बाहर निकाल सकती है। तो आपका इस खबर पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अगर बीसीसीआई ने ईशान पर एक्शन लिया तो क्या मुंबई इंडियंस भी ईशान पर एक्शन लेगी? क्योंकि देखिए ये तो बिजनेस है। यहां पर अगर मुंबई इंडियंस रोहित को निकाल सकती है, चेन्नई रैना को निकाल सकती है तो ईशान किशन कोई मुंबई इंडियंस के रिश्तेदार नहीं है, ईशान को भी निकाला जा सकता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।